हाय एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपे और आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं सी वर्मा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के सॉल्यूशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 58। दीज आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और अब हम देखते हैं कि कैसे होने वाले क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सोलेनॉइड। आपने लास्ट लेक्चर में भी सोलेनॉइड के कुछ टिपिकल से इलस्ट्रेशंस देखे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोलेनॉइड। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला है दैट इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उसी का ज़्यादातर आप देखते कि एप्लीकेशन क्वेश्चंस में दिया रहता है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी वर्डिंग है, अ टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड, और जब भी वो लॉन्ग सोलेनॉइड लिखते हैं तो इसका मतलब कि हमें बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इट कैरीज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, सो इट इज़ गिवेन कि 2 एम्पियर यहाँ पे करेंट है। एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू एग्जीक्यूट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है विच इज़ लाइक एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द सोलेनॉइड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अब समटाइम्स व्हाट हैपन कि ओमेगा दे देते हैं और समटाइम्स दे गिव फ्रीक्वेंसी, तो इट यू शुड बी एबल टू जज कि क्या दिया है, तो उसके लिए आपको यूनिट देखना होता है। लाइक यहाँ पे रिवोल्यूशंस पर सेकंड दिया, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे रेडियन पर सेकंड दिया रहता तो इसका मतलब ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है आप देखिए, 1 × 10⁸ रिवोल्यूशंस पर सेकंड, इसका मतलब कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टर्न्स पर मीटर इन द सोलेनॉइड। अब देखिए अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका मतलब कि बी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, म्यू नॉट एन आई। तो बेसिकली आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ कि हाउ आई कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एन बी, बिकॉज आप जानते हैं कि सोलेनॉइड के जो अंदर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला जो आपका है दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर, और कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, यानी कि फोर्स, दैट इज़ क्यू वी बी। यू नो कि मैग्नेटिक फील्ड जब रहती है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है दैट इज़ क्यू वी बी। वैसे तो क्यू वी क्रॉस भी लगता है लेकिन एंगल वगैरह यहाँ पे गिवन है, तो बेसिकली एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, ठीक है। तो यानी अब हम यहाँ क्या करें, ओमेगा स्क्वायर इज़ नथिंग बट क्यू वी बी अपॉन एम आर, और आर जो है यहाँ पर दैट इज एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर चला गया और वी से वी कैंसिल हो गया, सो दिस इज़ लाइक क्यू बी एम का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा की वैल्यू हो गई है क्यू बी बाई एम, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π टाइम्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यू मस्ट बी नोइंग कि 2π टाइम्स फ्रीक्वेंसी इज, क्योंकि ये रिवोल्यूशंस पर सेकेंड है और जब हम इसको 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो रेडियन पर सेकेंड आएगा, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन एंगल मूव होता है, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी इज वॉट, दैट इज नथिंग बट 1/2π। अब ये फ्रीक्वेंसी हो गया, बट वी नीड टू फाइंड आउट n, तो पहले पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, दैट इज़ म्यू नॉट n इंटू आई, ठीक है। ये हो गया हमारा म्यू नॉट n आई, तो बेसिकली अब हम n निकाल लेंगे यहाँ से, तो उसके लिए हम n के क्या फॉर्मूला बन जा रहा है देखिए, 2π m f हो गया यहाँ पर, और नीचे लिखेंगे q म्यू नॉट एंड i, ठीक है। तो चेक कर लो एक बार, 2π × f × m है और नीचे हमारा यानी डिनोमिनेटर में वी हैव म्यू नॉट क्यू इंटू आई, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बन गया है। एंड जस्ट वी हैव टू नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो पाई को मत निकालिए, और यहाँ पर बिकॉज इलेक्ट्रॉन दिया गया है सो दिस इज़ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, म्यू नॉट विल बी रिटन एज 4π × 10⁻¹⁷, एंड द करेंट इज़ गिवन एज 2, तो ये पूरा नीचे वाला हो गया है, एंड फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन एज 10⁸, और क्या दिया है, मास, मास यू नो कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज़ 9.1 × 10⁻³¹ kg। अब ये पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि 2π से 4π कैंसिल होके 2 बचेगा यहाँ पर बेसिकली,
और पावर्स को वो कर लेते हैं हम लोग, बाकी नंबर्स को अलग कर लेते हैं। लाइक 9.1 है ऊपर, हियर इट इज़ 1.6, दिस इज़ 4, ठीक है। और पावर में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9-19 और -7 होगा -26, ठीक है। और ये 10^8 है, दिस इज़ 10^-31 और ये -26 यानी ऊपर जाके 10^26 हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज़ लाइक 9.1 1.64 × 34 हो गया, तो ये 1000 हो गया। यहाँ पर देखो 26 + 8 इज़ 34 एंड 34 - 31 इज़ 3, सो दैट्स वाई आई रिटन 1000, ठीक। अब बेसिकली आई हैव टू सॉल्व दिस, तो ये उड़ा दो यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 91 एंड दिस इज़ नथिंग बट 16 × 4 = 64, तो ये है आपका 91/64 × 1000, ठीक है। अब ये 1 times जाएगा एंड देन इट विल गो, पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, 64 1 times एंड देन इट विल गो बाई 4 times, फिर आप देखेंगे 2 times जाएगा एंड दैट विल बी 1420 टर्न्स पर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, बड़ा ही आसान था। यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा था इसलिए हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे यूज़ किया एंड द जो फंडामेंटल फोर्स दैट वाज बीइंग यूज्ड, कि कौन सी फोर्स के आखिर इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रही थी, दैट वाज QVB एंड बाकी तो मैथमेटिक्स थी इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। Now let's do question number 59, ठीक है। तो 59 करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या पूछा गया इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, अ टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड, तो फिर से लाइक लॉन्ग सोलेनॉइड लिखने का मतलब है कि B = μ0 NI फॉर्मूला यूज़ होगा, हैज़ n टर्न्स, तो n टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है एंड द रेडियस रेडियस आर दिया है सोलेनॉइड का, यानी कि अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, एंड इट कैरीज अ करेंट आई, यानी कि स्मॉल आई करेंट है उसके अंदर। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, ये भी दिया है, मास भी दिया है उसका m, एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। What can be the maximum speed for which the particle does not strike the solenoid? अब मतलब क्या है देखो इसका, इसका मतलब ऐसे है कि किसी भी डायरेक्शन में लाइक ये आपके एक्सेस की डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड निकला हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर लाइक ऐसे आपका ये इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक। अब मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक। और अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो मान लो बाहर की तरफ है तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसके 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट कि ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो अब ये स्ट्राइक ना करे तो इसको कहाँ तक जाना चाहिए, स्ट्राइक ना करे तो मतलब स्ट्राइक कर जाए, जब वो बोले कि स्ट्राइक ना करे तो इसका मतलब है कि स्ट्राइक कर जाए ऐसे, ठीक। तो यानी कि जस्ट बच के यहाँ से आके ऐसा सर्कल करे। अब ऐसा सर्कल करने का मतलब है कि पूरा रेडियस तो आर है यहाँ तक, तो इसका रेडियस कितना होगा, ये जो पार्टिकल ने मूव किया है ये सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं, इसका रेडियस विल बी R/2, ठीक है। सो व्हाट इज द रेडियस, R/2 इज द रेडियस हियर। अब बस यही करना अपने को, एंड यू नो कि बाकी चीज़ें तो कि QVB इज इक्वल टू MV² / R, ठीक। यही जो है आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, सो दैट इट R/2 का रेडियस बनाता है। तो यहाँ पर मैं R/2 रख देता हूँ, तो दिस विल बिकम नाउ
2mv² / r, ठीक है। अब एक v देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, सो दिस इज नथिंग बट qbr/2m, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्या करेंगे हम, b की वैल्यू रख देंगे, दैट इज म्यू नॉट एन आई, सो b की वैल्यू रख दो म्यू नॉट क्यू आर एन इंटू आई अपॉन टू एम, दैट्स इट। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, जस्ट हमको ये बेसिक आइडिया लेना था यहाँ पर कि ये स्ट्राइक ना करे तो ये जो रेडियस है सोलेनॉइड का वो इस पार्टिकल के लिए एज अ डायमीटर एक्ट करना चाहिए, तभी ये स्ट्राइक नहीं करेगा, एंड इन दैट केस योर वेलोसिटी विल बी म्यू नॉट क्यू आर एन आई, यही पूछा था यहाँ पर। आप पढ़ सकते क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दिया गया पार्टिकल हैविंग चार्ज इज ऑन द एक्सिस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक द सॉलिनॉइड, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड है बिकॉज इससे भी अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, और बड़ा पाथ करेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी होता है, तो अगर आप v को बढ़ाएंगे तो r भी बढ़ता है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए आप इतना ही स्पीड रख सकते हैं, दिस इज योर मैक्स स्पीड, बिकॉज इससे ज़्यादा करने पर वो सोलेनॉइड को स्ट्राइक कर जाएगा। तो दैट वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 59, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60। So now let's do question number 60. और देखते क्या है question number 60. A tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet carrying a surface current. The surface current through a width dl of the sheet is k times dl and the number of turns per unit length of the solenoid is n. The magnetic field near the center of the solenoid is found to be zero. Find the current in the solenoid. If the solenoid is rotated to make its axis perpendicular to the metal sheet, what would be the magnitude of the magnetic field near its center? तो पहले हम लोग ए पार्ट करते हैं और मेटल शीट से रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम किए थे। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 52 और 53, तो वहाँ पर मैंने जो है मेटल शीट का डेराइव भी किया था। सॉरी गाइज, जो वैल्यू मेटल शीट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की आती है और उसके डायरेक्शन वगैरह आपको समझाया था, डेरिवेशन भी किया था, तो वहाँ से आपको याद होगा कि फॉर्मूला था म्यू नॉट के बाई टू, याद है। तो म्यू नॉट के बाई टू, अब आप ये समझिए कि सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से रखा है और मेटल शीट उसके पैरेलल रखी है एंड दे आर टेलिंग कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज कमिंग आउट टू बी जीरो, इसका मतलब दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल हो गई होगी, तभी तो जीरो आ रही है। तो जो शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज म्यू नॉट के बाई टू, और जो सोलेनॉइड की वजह से आ रही है दैट इज व्हाट, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने पूछे, एन पूछा है, देखिए ए पार्ट में नहीं, दे हैव आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ टर्न्स दे हैव गिवन, दे आर आस्किंग अबाउट द करेंट, ठीक है। सो दे आर आस्किंग अबाउट द करेंट, यानी कि आई निकालना होगा आपको। तो आई कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, म्यू नॉट के बाई टू टाइम्स म्यू नॉट एन, तो म्यू नॉट कैंसिल एंड दिस इज के बाई टू, ठीक है गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया तो आप पीछे के लेक्चर्स जाके देखिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप देखिए बी पार्ट आप पढ़िए और बी पार्ट में देखिए क्या क्या, तो ये समझ में आ गया कि हाउ मच करेंट इज फ्लोइंग दिस इज के बाई टू एन इन द सोलेनॉइड। नाउ द क्वेश्चन इज इफ द सोलेनॉइड इज रोटेटेड टू मेक इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेटल शीट व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स सेंटर। अब इसको रोटेट करें, अब ये सोचिए कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, एंटी पैरेलल थे और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अगर आप इसको रोटेट कर देंगे तो व्हाट विल हैपन कि अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड में थी और इसकी सोलेनॉइड की मान लो ऐसे थी, ठीक है, दिस इज ऑफ शीट बी शीट
और ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करे तो पर दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आपने इसको जब रोटेट किया तो रोटेशन आपने 90 डिग्री किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, तो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, सोलेनॉइड बी सोलेनॉइड विल बी लाइक दिस, और दोनों की वैल्यू है इक्वल, दैट इज म्यू नॉट के बाई टू, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे और इसको भी मैं बी बोल दूँ और इसको भी बी बोल दूँ, तो यू नो दैट कि ये कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज नथिंग बट रूट टू टाइम्स बी, ठीक है। तो रूट टू टाइम्स बी हो जाएगा, तो रूट टू टाइम्स बी कितना होगा, तो बी जो है वो है बेसिकली म्यू नॉट के बाई टू। अब रूट टू टाइम्स बी यानी रूट टू टाइम्स म्यू नॉट के बाई टू विच इज नथिंग बट म्यू नॉट के बाई रूट टू, ठीक है। तो ये हमारी अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब एग्जैक्टली आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 90 डिग्री से अगर आप सोलेनॉइड को घुमाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली वो उसके एंटी पैरेलल थी। अब जब आप उसको कैसे भी घुमाएं, इधर घुमाएं या उधर घुमाएं, कैसे भी 90 डिग्री आप रोटेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी हो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, किसी भी प्लेन में, बट दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे और दोनों इक्वल है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रूट टू टाइम्स नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वॉज म्यू नॉट के बाई टू दोनों के लिए ही, तभी तो वो जीरो करा था हम लोगों ने, इक्वेट किया। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट के बाई टू, और यही शीट की भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर दोनों का बी सेम रखा है, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी रूट टू बी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 61 ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61, और देखते हैं कि क्या है आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन हमेशा ही खतरनाक होते हैं थोड़े से, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि देखो ये जब लॉन्ग टाइम लिखा रहे तो इसका मतलब पूरी तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो गया है, ठीक है। पहले भी मैंने कैपेसिटेंस चैप्टर में बताया आपको कैपेसिटर वाले में, एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। तो एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस था कुछ 100 माइक्रोफेराड, उसको बैटरी से आपने कनेक्ट किया है काफ़ी देर तक, और फिर उसको आपने डिसकनेक्ट कर दिया, यानी कि अब वो पूरी तरीके से कैपेसिटर की जो प्लेट है उनमें चार्ज हो गई हैं, एंड इट इज़ नॉट डिसकनेक्टेड अक्रॉस अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 4000 टर्न्स पर मीटर। इट इज़ फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 90% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड्स। अब आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो है बिकॉज आपने उसको डिसकनेक्ट कर दिया है वो चार्ज को लूज करने लगा है, एंड अब कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है गाइस दैट हैज गॉन डाउन टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड्स। फिर हमको एवरेज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो समझिए बी एवरेज निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें गाइस, तो आप समझिए कि म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला लगेगा। अब आपको सोचना है कि आई आएगा कहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से जितनी बातें आपको पता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड दिस इज लाइक 4000 टर्न्स करेंट नहीं पता है, यानी कि अवर फोकस शुड बी कि हम ये सोचे कि करेंट कैसे आए, और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं इसका मतलब करेंट भी एवरेज है। तो एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो यानी कि डेल्टा क्यू बाई टू। तो आई निकालने का मतलब है कि आई शुड फाइंड आउट द चेंज इन चार्ज, क्या निकालू, चेंज इन चार्ज इन दिस 2 सेकेंड्स। तो चार्ज कैसे निकलता है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि कैपेसिटेंस में चार्ज कैसे निकलता है। वेरी सिंपल, Q is equal to C delta V,
तो अब आप देखिए कि जो पहले का चार्ज था क्यू इनिशियल चार्ज, उसमें आपने किया 100 माइक्रो फेराड, दैट इज 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और वोल्टेज कितना गिवन है आपको 20, सो ये आपका इनिशियल चार्ज, दैट इज 2000 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि बेसिकली दिस इज, ये गायब हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग 2 मिली कूलम, कितना, तो क्यू इनिशियल इज 2 मिली कूलम। और क्या दिया है, और ये दिया है कि कुछ सेकेंड बाद 90% ऑफ द वोल्टेज हैपेंस, तो यू कैन इजली फाइंड आउट कि व्हाट इज द 90% ऑफ द 20 वोल्ट, दिस इज नथिंग वेरी इजी कैलकुलेशन, दैट इज 18 वोल्ट, 18 वोल्ट को ड्रॉप कर गया गाइस, तो क्यू फाइनल हैज गॉन डाउन बाय हाउ मेनी 90% उसकी वैल्यू है, यानी कि 10% से ड्रॉप आउट हुआ, तो 2 वोल्ट कम हो गया, तो 18 वोल्ट आपके पास बचा है। फिर से आप क्यू निकाल लीजिए, इस बार क्यू फाइनल निकाल लीजिए आप, दैट इज नथिंग बट सी, तो वही रहेगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एंड दिस टाइम इट विल बी 18, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, तो 1800 इंटू 10 की पावर माइनस 6 विच इज नथिंग बट 18 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम। अब इसको भी मैं ढंग से लिखूं तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम लिखूंगा, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेल्टा आई एवरेज लिखने जा रहा हूँ, दैट इज डेल्टा क्यू यहाँ लिख दूंगा, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 10 की पावर माइनस 4 कूलम। जो माइनस वगैरह साइन आ रहा है वो बी में अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बी, दे ओनली आस्क्ड अबाउट द बी एवरेज, उसका मैग्नीट्यूड, सो आई एम नॉट कंसर्न कि दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस, ठीक है, करेंट कम घटा है, तो बी भी जो है वो एवरेज बी जो है तो वो सेम ही वैल्यू रहेगी, तो उसमें कम ज़्यादा होने की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 into 4000 turns into I average, that is coming out to be ampere है, ठीक है, 10 की power minus 4, तो अब ये 10 की power 3 हो जाएगा जो 4000 था, और उसकी वजह से guys that will be 10 की power minus 1 हो जाएगा, और ये 4 into 4 बी एवरेज जो आ रही है 16 पाई एंड 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इज 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, ठीक है, तो जो बी एवरेज निकल के आया दैट इज 6 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, ठीक है। तो गाइस इसी को नोट कर लीजिए आप, तो इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, एंड कुछ दो चैप्टर जो है छोटे छोटे बचे हुए हैं बीच के, दैट इज़ गॉस थ्योरम और एक आपका थर्मल एंड इलेक्ट्रिक करंट समथिंग ना, थर्मल करंट वो वाला चैप्टर पर बचा हुआ है, तो अगर हम गॉस थ्योरम ख़त्म कर लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट ख़त्म, ठीक है, तो वो दोनों पे हम फोकस करेंगे गाइस, साइड बाय साइड उनको करके वी विल बी फिनिशिंग दैट, फिर हम लोग एसी या ईएमआई इन दोनों में से आप लोगों को चॉइस देनी है कि व्हाट डू यू वांट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करेंट्स, बोथ चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी आप बोलेंगे उसके सॉल्यूशंस वी विल बी अपलोडिंग। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आई डोंट सी कि किसी को कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर इस समय, ठीक है, तो आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो लेट्स सी आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन उससे पहले वी विल बी लाइक डूइंग गॉस लॉ एंड थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स, ठीक है गाइज, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बहुत सारे चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं गाइज, इसी तरीके से ख़त्म करते रहेंगे, यू कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय, ऑल द बेस्ट।